नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के केराना में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे नगर के व्यापारियों ने जिले के खाद्य अधिकारी पर व्यापारियों का अनावश्यक शोषण कर अवैध उगाही करने का आरोप लगाया। डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए खाद्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गयी। मंगलवार को शामली के केराना तहसील सभागार कक्ष में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में नगर के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री राम कुमार सिंगल के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में व्यापारियों ने पहुंचकर डीएम रविंद्र सिंह को ज्ञापन देते हुए कहा कि जिले के खाद्य अधिकारी नरेश व प्रजेंद्र सिंह पर जिले व नगर के व्यापारियों का सैंपल लेने के नाम पर अनावश्यक शोषण व अवैध उगाही करने का आरोप लगाते हुए दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि खाद्य अधिकारियों द्वारा नगर में सैंपल लेने के नाम पर व्यापारियों का अनावश्यक शोषण अवैध उगाही करने का मामला दिन प्रतिदिन चरम सीमा पर है। अधिकारी द्वारा पहले व्यापारियों का सैंपल उठाया जाता है, फिर उनके दलाल व्यापारियों से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बात कर मामले को निपटाने के 50,000 रुपए तक की रिश्वत की डिमांड करते हैं। व्यापारियों द्वारा रिश्वत न देने पर कार्रवाई की धमकी देते हैं। दोनों अधिकारियों से पूरे जिले का व्यापारी वर्ग इस हद तक त्रस्त हो चुका है कि अगर शीघ्र दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो सभी व्यापारी अनिश्चितकालीन पूरा जिला बंद कर देंगे। वहीं एक व्यापारी ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि खाद्य अधिकारी द्वारा रोड पर गाड़ी रोककर एक दो गत्ते बिस्किट वगैरह के उतार लिए जाते हैं, जिसका विरोध करने पर ड्राइवर के साथ बदतमीजी कर सैंपल भेजने की धमकी दी जाती है। व्यापारी ने डीएम से कहा कि ऐसे ही हमें बेवजह परेशान किया जाएगा तो हमें अपने व्यापार बंद करने पड़ेंगे। दो फूड अधिकारी हैं, नरेश कुमार और प्रजन सिंह, ये सभी व्यापारियों की गाड़ी रोकते हैं और उनमें से जो है कल दो गत्ता उड़ा लेते हैं और फिर उसके बाद पैसों की डिमांड करते हैं। पहली बात तो उनको राइट ही नहीं गत्ते उतारने का, मैं पैकेट ले सके दो चार, उनको सैंपल भी अगर लेना तो पैकेट ले सके, गत्ता नहीं ले सकते। उसके बावजूद इन्होंने पूरे जिले में ऐसा आतंक उठा रखा है कि हर व्यापारी से इनको कहते हैं महीना बंद हो, इनको महीना चाहिए। फैक्ट्री वालों से हर रोज पैसों की डिमांड करते हैं, जब हमारे माल पीछे से व्यापारी से माल आ रहा और उसको हर रोज ये रास्ते में रोक के उसे एक दो दो गत्ता उतार रहे हैं तो हमारी उन्होंने सप्लाई बंद कर दी है। उन्होंने लिखित माल हमारा सहारनपुर से आता है और ये दोनों अधिकारी सहारनपुर में रहते हैं, एक देहरादून रहता है एक सहारनपुर रहता है। ये सुबह जब उधर से आते हैं तो रास्ते में जितनी भी गाड़ियां हमें उन सबको रोकते हैं, किसी में से एक गत्ता ले लें किसी में दो गत्ता ले लें, सब व्यापारियों को परेशान कर रखा है इन्होंने। पूरे हमारे साथ ये मामला हुआ, 17 तारीख को हमारी गाड़ी आ रही थी, उसमें से इन्होंने 3 गत्ते उतारे, एक रस का 2 बिस्कुट के। ड्राइवर ने मना किया तो उसके साथ बदतमीजी की, वो दे के चलाया। फिर 18 तारीख को गाड़ी आ रही थी, उससे पैसों की डिमांड करी, उसने पैसे नहीं दिए। उन्होंने उसको भी फोन करा किसी से कि आप इसे पैसे दो, उन्होंने पैसे नहीं दिए जिससे माल आ रहा था। फिर 18 तारीख को फिर माल आ रहा था मेरा नेक्स्ट डे, उसकी गाड़ी फिर रोक ली, फिर रोक के उसमें से सैंपल लिए और सैंपल लेने के बाद फिर पैसों की डिमांड कर रहे हैं। डीएम साहब ने कहा कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनको जल्द से जल्द सस्पेंड करा जाएगा, अगर नहीं इसमें कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं हुई तो फिर व्यापारी स्वतंत्र है, हम अपना बाजार बंद करेंगे, जाकर डीएम साहब के पास बैठ। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।